अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नॉवल अच्छा लगने की सूरत में प्लीज शेयर भी करें। नॉवल पढ़े थे इंतहाए इश्क, जिसे लिखा है परिवश ने। हियर वी गो। कैसे हो, हाशिम ने इसे देखकर पूछा। ठीक, मुख्तसर से जवाब देकर वो पलट कर जाने लगा। शहरयार बैठो ना, हाशिम ने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं थक गया हूं, अब आराम करूंगा, वो रूखे अंदाज में कहता हुआ चला गया। नूर ने उदासी से इसकी तरफ देखा। इसे अपने भाई के साथ शहरयार का यह अंदाज अच्छा नहीं लगा था। आबी और दावर भी अपने भाई के रवैये से शर्मिंदा हो गए। आबी, नूर बच्चे जाए शहरयार से चाय पानी का पूछे और हाशिम के लिए भी कुछ लेकर आए। अमजान की नरम आवाज और नूर और आबी उठकर किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि दावर माहौल पर छाई खामोशी को दूर करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाने लगा। इसकी बातों पर हाशिम बज़ाहिर तो मुस्कुरा रहा था, पर बहुत सी सोचों ने इसके दिमाग को जगा रखा था। अमजान बेटे को प्यार से देख रही थी। औलाद भी कितनी प्यारी चीज है, अगर आंखों के सामने रहे तो दिल में ठंडक उतर जाती है और अगर दूर हो जाए तो दिल छल्ली होकर रह जाता है। हाशिम इनका इकलौता बेटा था, इन्हें इनसे बहुत मोहब्बत थी, पर वक्त ने इन्हें ऐसे मुकाम पर ले आया था कि वो बेटे से दूरी सहने पर मजबूर थी। अमदाल अफनंदी के मायके में इनका अच्छे से वेलकम किया गया। वहां घर के सिर्फ चार फर्द थे, बाबा साहब, इनकी बीवी जिन्हें सब बीबी जान कहते थे, जमाल आगा और इसका छोटा भाई, बाकी नौकरों की फौज थी। तबीन से मिलकर सब बहुत खुश थे, जबकि बीबी जान के अलावा नाजिन के साथ बाकी सबका रवैया सर्द था। वो सब खाना खाकर इस वक्त डाइनिंग रूम में बैठे थे। वो दोनों भाई तबीन के साथ बातों में मसरूफ थे। नाजिन हसन अफनंदी के साथ सोफे पर बैठी थी, जबकि सामने सोफे पर अमताल अफनंदी अपने भाई के साथ बैठी थी। लाला, हम उससे नाराज तो नहीं है ना, अमताल अफनंदी ने अचानक पूछा था। सब लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। नहीं अमताल, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी थी। हमें समझना चाहिए था कि तुम हसन अफनंदी की मंग थी, तो तुम्हारी शादी इसी से होनी चाहिए थी। अब तो वैसे भी तुम लोगों के बीच जो कांटा था वो तो निकल गया है, फिर कैसी नाराजगी, इन्हें ने सर्द लहजे में कहा। इनका इशारा सुनैरा की तरफ था। इनकी बात पर अमताल अफनंदी मुस्कुराने लगी। हसन अफनंदी ने बेचैनी से पहलू बदला। नाजिन के चेहरे का रंग उड़ा, इसके दिल से धुआं उठने लगा, इसका दम घुटने लगा। तो कुछ देर बाद वो हसन अफनंदी के साथ गांव की सैर के लिए निकल आई। वो कुछ वक्त के लिए इस माहौल से दूर जाना चाहती थी और वो लोग गेट से बाहर निकले ही थे कि जमाल आगा तेजी से इनके पीछे आया। आपको बाबा साहब बुला रहे हैं, वो हसन अफनंदी को देखकर बोला। आप जय, मैं नाजिन को गाँव की सैर करा देता हूँ, वो शराफत से बोला। ओके बेटा, हसन अफनंदी ने कुछ पल सोचा और फिर इसका शाना थपक कर अंदर चले गए, जबकि नाजिन का दिल किया वो भी भागकर बाबा के पीछे चली जाए, पर वो जा ना सकी। चले कजन साहिबा, जमाल आगा ने इसे अपनी तरफ मतवजो किया। नाजिन बेजार से इसके साथ आगे बढ़ी। गांव इस कदर खूबसूरत था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई वैसे ही इसकी बेजारी हवा होने लगी। वो जमाल आगा को भूलकर आसपास के मंजर में देखती खोसी गई थी। अचानक जमाल आगा ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा तो वो लड़खड़ाकर इसके कंधे से टकराई थी। हमारे दिल की मत पूछो, बड़ी मुश्किल में रहता है, हमारी जान का दुश्मन हमारे ही दिल में रहता है। सब अपनों के बीच हाशिम को इस कांच सी लड़की की याद शिद्दत से सताने लगी। इसका दिल किया काश वो भी इसके साथ होती तो आज वो खुद को बिल्कुल मुकम्मल महसूस करता। सबके साथ खुशगवार वक्त गुजार कर वो वापिस जाने के लिए हवेली से निकला था। गाड़ी गाँव की कच्ची सड़क पर चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक खूबसूरत खेत फैले थे। खुली खिड़की से अंदर आती ताजी हवा और इनसे अपनी सांसों में उतारा। आज वह बहुत खुशगवार मूड में था। इसका दिल चाह रहा था आज वह दुश्मन जान इसके पहलू में होती। इस कांच की गुड़िया के ख्याल पर मुस्कुराकर इसने गर्दन फेरकर खिड़की से बाहर नजर डाली। जो मंजर देखने को मिला इस पर इसे यकीन न आया। इसने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाई। इसे लगा शायद इसे धोखा हुआ है, पर नहीं, वो वही थी। इस शख्स के कंधे से लगी, पर अगले ही पल इसने इस शख्स को धक्का देकर पीछे किया। हाशिम के ऊपर जैसे किसी ने खोलता पानी डाल दिया था। इसकी आंखों में खून उतर आया। वो झट से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। ये क्या हरकत थी, इससे दूर होकर नाजिन ने इसे खा जाने वाले अंदाज में घूरा। कीचड़ है इस तरफ, मैंने तुम्हें बचाया है और तुम शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझे घूर रही हो।
इसने इस तरफ इशारा करते हुए कहा जहां कुछ पल पहले नाजिन कदम रखने वाली थी। तो आप बोल भी सकते थे, ये खींचने की क्या जरूरत थी, वो तप कर बोली। अच्छा माफ कर दो, वो मकारी से हाथ जोड़कर बोला। इसका मकसद तो पूरा हो चुका था, इसने हाशिम की कार देखकर जानबूझकर ऐसा किया था और अब हाशिम को आग बुगुला हुए अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो एकदम कमीनगी से हंसा। अब मजा आएगा, इसने बड़बड़ाकर थोड़ी खुजाई। नाजिन इसे मुसलसल पीछे देखते पाकर पलटी तो इसकी नजर हाशिम खान पर पड़ी। इसकी सांसें अटक गई, वो यहां भी आ गया था। करीब आते ही हाशिम ने गुस्से से जमाल आगा को कॉलर से पकड़ा। तुम जैसे कमीने आदमी से ऐसी थर्ड क्लास हरकतों की उम्मीद की जा सकती है, हाशिम धाड़ा था। नाजिन ने हैरत से इसे देखा, वो समझ गई थी वो कुछ पल जो पहले हुआ इसी की बात कर रहा था। मैंने क्या किया, जमाल आगा मासूमियत से बोला। अभी बताता हूँ, हाशिम का हाथ उठा पर नाजिन ने एकदम आगे बढ़कर इसका हाथ थामकर इसे रोका था। ये क्या कर रहे हैं आप, वो तेजी से बोली। वो अगर जमाल आगा पर हाथ उठा लेता तो अमदल अफनंदी समेत जमाल आगा के घर वाले भी नाजिन का जीना हराम कर देते और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। तुम बीच में मत आओ, हाशिम ने दांत पीसकर नाजिन को घूरा। नाजिन को भी गुस्सा आ गया, पहले वो खुद कम था जो बाकी सबको भी इसके पीछे लगाना चाहता था। ये आपका मसला नहीं है, ना मैंने आपसे मदद मांगी है, समझे आप। नाजिन ने तप कर इसकी आंखों में देखकर इसका हाथ झटका था। इसके अंदाज पर हाशिम हैरान रह गया, वो इस शख्स के लिए इससे लड़ रही थी। छोड़े इन्हें, इसके कहने पर हाशिम ने लम भींच कर झटके से जमाल आगा को छोड़ा, फिर एक सरदिंगा नाजिन पर डाली। चले डियर, जमाल आगा ने नाजिन से कारवा सर हिलाकर आगे बढ़ी जब हाशिम बोला, तुम इस शख्स के साथ नहीं जाओगी। इसका अंदाज बिल्कुल स्पॉट था, ये मेरे साथ आई है और मेरे साथ ही जाएगी हाशिम खान, जमाल आगा इसे घूर कर संजीदगी से बोला। नाजिन ने परेशानी से इन्हें देखा और वो इन दो पागलों के बीच फंस गई थी। चलो नाजिन, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे, जमाल आगा ने नाजिन को देखकर कहा। वो नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, हाशिम ने जिद्दी अंदाज में कहकर जमाल आगा को घूरा। चले, नाजिन हाशिम की बात को इग्नोर करती जमाल आगा को देखकर जल्दी से बोली, फिर कदम आगे बढ़ा दिए। हाशिम के दिल पर कयामत टूट पड़ी, इसके वजूद से आग की लिपटें उठने लगी। पता नहीं इस जिद का नतीजा क्या होगा, समझता दिल भी नहीं, मैं भी नहीं और वो भी नहीं। भाई कजन, जमाल आगा ने खुशी से आंख दबाकर खबासत से मुस्कुराकर हाशिम को देखा। नाजिन की बात पर हाशिम के सुर्ख चेहरे को देखकर इसे बड़ा मजा आ रहा था, आज पहली बार जैसे इसे हाशिम खान को मात दी थी। जमाल आगा की बात पर नाजिन ने पलटकर हैरत से इन्हें देखा, कजन। इस लम्हे भर को हैरत हुई पर अगले ही पल वो सर झटक कर आगे बढ़ने लगी। इस बला से वो दोनों एक दूसरे के कुछ भी लगते हो, बस इसकी जान छोड़ दे, जमाल आगा हंसता हुआ भागकर नाजिन के हमकदम हुआ। इसे जमाल आगा के साथ जाते देखकर हाशिम की रूह फना होने लगी, ये मंजर इसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो खड़े खड़े एक से दूसरा फैसला करता वो पलटा और मजबूत कदम उठाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अब वो जो करेगा इसकी जिम्मेदार खुद नाजिन हसन अफनंदी होगी। गांव में दो हवेलियां थी, बड़ी हवेली सुल्तान आगा खान मतलब खान बाबा की थी और छोटी हवेली फिरोज आगा जान आगा खान मतलब बाबा साहब की थी। दोनों चचाजात भाई थे, पिछले कई सालों से दोनों के बीच जमीन का मसला चल रहा था जिसकी वजह से दोनों हवेली वालों की आपस में नहीं बनती थी। जमाल आगा भी अपने बाप की तरह हासिद इंसान था, हर उल्टे काम में से अपने बाप की सपोर्ट हासिल थी, इसीलिए वो खुलकर हाशिम से अपनी दुश्मनी निभा रहा था। इश्क का ऐन तो अजाब था साहब, शीन से शदीद हुआ तो काफ से कहर बन गया। अगले दिन हाशिम संजीदा सा ऑफिस में दाखिल हुआ। अलीना, इसने अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए अपनी सेक्रेटरी को आवाज दी। जी सर, इसके पुकारने पर अलीना ने झट से हाजिर हुई, तेजी से हाशिम के साथ चलती रूम में दाखिल हुई। अलीना प्यारी सी बहुत डिसेंट लड़की थी, वो दो सालों से हाशिम के ऑफिस में काम कर रही थी। इसकी अच्छी नेचर की वजह से हाशिम इसे बहन की तरह ट्रीट करता था। अलीना, आज मेरी कितनी मीटिंग्स हैं, वो अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइल देखते हुए बोला। सर, मिस्टर अहमद और मिस्टर अली के साथ मीटिंग है, और वो इसे बताती जा रही थी और हाशिम खामोशी से सुन रहा था। वो बात मुकम्मल करके हाशिम को देखने लगी। सब मीटिंग्स कैंसिल कर दो, इसने आराम से कहकर फाइल इसे पकड़ाई। जी, अलीना ने हैरत से कहा, क्योंकि दो सालों में पहली बार था जब हाशिम ने अपनी मीटिंग्स कैंसिल करने का कहा था। इस फाइल को चेक कर लेना ओके, इसे देखकर कहता वो कुर्सी से उठा।
जी सर, मैं कर लूंगी। अलीना ने इसके संजीदा चेहरे को देखकर आज वह मामूल से ज्यादा संजीदा लग रहा था। हाशिम रूम से निकला तो वह भी चौंककर बाहर निकलती अपने काम में लग गई। हाशिम ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो फिर मोबाइल उठाकर अश्वी को कॉल मिलाने लगा। विंडो स्क्रीन से बाहर घूरता वो काफी देर तक अश्वी से बातें करता रहा, फिर फोन बंद करके इसने दूसरा नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगाया। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। नाजिन नहाकर वॉशरूम से निकली और बालों को खुश करके इसने टॉवल एक साइड पर रखा, फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बालों में ब्रश करने लगी। काले लिबास में इसका गुलाबी चेहरा चमक रहा था, नीली झील आंखें भलाकी हसीन लग रही थी। इसने ब्रश रखकर हाथ बढ़ाकर बालों को झटका तो स्याह बाल इसकी कमर और चेहरे के किट बिखर गए। इस वक्त वह जान लेने की हद तक हसीन लग रही थी। आईने में खुद पर एक नजर डालकर वह दुपट्टा उठाने बेड की तरफ बढ़ी थी, तभी साइड टेबल पर रखा मोबाइल इसका बजने लगा। इसने आगे बढ़कर मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली, वो कोई अनजान नंबर था। कुछ पल वो खामोशी से स्क्रीन को देखती रही, फिर कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, इसके सलाम के जवाब में कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर भारी आवाज गूंजी जो इसके होश उड़ा गई। वालेकुम सलाम, हाशिम ने जवाब दिया। मेरा नंबर आपके पास कैसे आया? नाजरी ने हैरत से पूछा। तुम्हारा नंबर हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, वो संजीदगी से बोला। खैर, मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आओ, वो बारोब आवाज में बोला। कह तो ऐसे रहा था जैसे वो इसी के इंतजार में बैठी थी और वो आए और वो नाजी इससे मिलने जाए। आप होश में तो हैं? मैं भला आपसे क्यों मिलने लगी? नाजरीन ने गम और गुस्से से कहा। मैं पूरे होश में हूँ नाजरीन हसन अफनंदी, मुझे तुमसे तामीन के मुतालिक बात करनी है, अगर आना चाहो तो आ जाना, वरना आगे जो भी होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सरदर्द अंदाज में वो अपनी बात पूरी करके इसे कॉल काट दी। नाजरीन कितने ही पल हैरत से मोबाइल स्क्रीन को घूरती रही। उफ अल्लाह, अब ये क्या नया ड्रामा है, इसने तब कर खुद कलामी की। कुछ वक्त गुजरा तो इसे परेशानी ने घेर लिया। जाऊं के ना जाऊं, क्या करूं, वो कमरे में चक्कर काटती बड़बड़ा रही थी। आप ही के बारे में इस शख्स ने क्या बात करनी होगी, कहीं वो आप ही को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला। अल्लाह जी, क्या करूं मैं, वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। दिल की बेचैनी जब हद से बढ़ी तो इसने लंबी सांस खींचकर जल्दी से दुपट्टा उठाकर सर पर डाला। खुले बाल इसकी कमर पर बिखरे थे। दुपट्टा ठीक करती वो कमरे से निकली, नीचे किसी को ना पाकर इसने शुक्रिया अदा किया, फिर तेज कदम में उसे चलती मेन गेट की तरफ बढ़ी। गेट से बाहर निकलकर इसने आसपास नजर दौड़ाई, जब दूर रोड के एक तरफ वो गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था। ग्लासेस के पीछे से वो स्याह आंखें नाजिन पर जमी थी। नाजिन के दिल में आई कि वो यहीं से पलट कर वापस चली जाए, पर सोचा यहां तक आ ही गई हूं तो इसकी बात सुन ही लूं। वो ऐसा ऐसा कदम उठाती इसकी तरफ बढ़ने लगी। तेरे सिवा किसी और के कैसे हो सकते हैं हम, तो खुद ही सोच कि तेरे जैसा कोई और है। हाशिम दीवाना सा हुआ, स्याह लिबास में आती इस कान से लड़की को देख रहा था। हवा ने नाजिन के सर से दुपट्टे को उड़ाया तो स्याह बाल इसके चेहरे पर बिखरे थे। मोमी हाथ बढ़ाकर इसने बाल पीछे करके दुपट्टा ठीक किया। हाशिम बिना पलक झपकाए इसे देख रहा था और इसकी तरफ बढ़ता नाजिन का एक एक कदम इसे खुद बेखुद कर रहा था। इस लड़की से हसीन और दिलकश भी कोई होगा, इस शख्स की नजर में तो बिल्कुल नहीं। इसका हुस्न बेमिसाल था, वो पुरकशिश शहजादी थी जिसने इस शहजादे को अपना गुलाम बना डाला था। नाजिन इससे कुछ फासले पर रुकी। जो बात भी है जल्दी कहिए, वो उजलत में बोली। यहां नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं, वो अपनी बात कहकर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, नाजिन ने इसे देखकर कहा। तुम्हारी मर्जी, पर सोच लो अगर हमें यहां किसी ने देख लिया तो क्या होगा, वो बेपरवाह अंदाज में कहकर इसे देखने लगा। नाजिन एकदम परेशान हुई। पर मैं ज्यादा टाइम नहीं रुकूंगी, इसने हाथ मसल कर कहा। हाशिम ने मुस्कुराकर इसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब तो बोले, हाशिम ने नाजिन ने बेचैनी से कहा। कहीं आराम से बैठकर बताऊंगा, इसने पुरसुकून अंदाज में कहा। उसकी बात पर नाजिन को गुस्सा आया। ये आप क्या खेल खेल रहे हैं, आखिर बता क्यों नहीं देते कि क्या बात है, वो तपकर बोली। सबर से काम लो, कुछ वक्त तक जान जाओगी, वो संजीदगी से एक तरह नजर इस पर डालकर खामोशी से ड्राइव करने लगा। नाजिन बेताबी से हाथों को मसलने लगी, न जाने वो क्या बात करने वाला था। अचानक कार कैफे के सामने रुकी थी। यहाँ क्यों, नाजिन ने इसे देखकर पूछा।
तो क्या सड़क पर बैठकर बात करेंगे? हाशिम ने अबरू उठाकर कहा। नाज़ी मुंह फेर गई। उतरो, हाशिम ने संजीदगी से दरवाजा खोलते हुए कहा। जाने किस मुसीबत में फंस गई हूँ। नाज़ी बड़बड़ाकर गाड़ी से बाहर निकली। हाशिम कार लॉक करके इस तक आया। बात करके फिर जल्दी मुझे ड्रॉप करें घर। हाशिम ने नाज़ी की बात को इग्नोर करके इसे आने का इशारा किया। नाज़ी इसे घूर कर साथ चलने लगी। वो ग्लास वॉल के करीब रखे टेबल पर बैठे। नाज़ी ने एक बेचैन नज़र ग्लास वॉल से बाहर डाली, फिर हाशिम को देखा। कॉफ़ी पियोगी? हाशिम ने पूछा। मैं यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आई, बता भी दें कि क्या बात है? इसने उजलत में पूछा। ब्याज तमीन से निकाह कर रहा हूँ, हाशिम ने तहम्मुल से कहकर नाज़ी का चेहरा देखा। नाज़ी को लगा जैसे इसके इर्द गिर्द कोई धमाका हुआ था। आप ही अचानक आपसे क्यों निकाह करने लगी? नाज़ी ने ताज्जुब से पूछा। क्यों, क्या तुम नहीं जानती कि क्यों? इसने आबरू उठाकर कहा। मैं इसे जो भी कहूंगा वह जरूर करेगी, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। हाशिम के लहजे में भला का यकीन था। इसकी बात सुनकर नाज़ी की परेशानी पर पसीना चमक उठा। आपको आप ही से शादी करनी है तो आप घर रिश्ता लेकर आए, ये तो कोई तरीका ना हुआ शादी करने का, नाज़ी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। हाशिम एकदम मुस्कुराया, फिर अगले ही पल बिल्कुल संजीदा हो गया। ये निकाह मैं हमेशा के लिए निभाने के लिए तो नहीं कर रहा, इसके लहजे से बेजारी टपक रही थी। क्या मतलब है आपका? नाज़ी उलझी थी। मतलब ये, मैं निकाह के फौरन बाद तबीन को तलाक दे दूंगा, उसने सर्द अंदाज में नाज़ी की आंखों में देखकर कहा। इसके बाद पर नाज़ी ने वहशत भरी नजरों से इसे देखा। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसने कपकपाई आवाज में कहा। सिर्फ एक शर्त पर, हाशिम ने संजीदगी से कहा। क्या? नाज़ी जल्दी से बोली। या तुम मुझसे निकाह करो या मैं ताबीन से, वो शानी उचका कर बोला, फिर सर्द नजरों से इसे देखा। मैं ताबीन से निकाह करूंगा, पर निकाह के अगले ही पल इसे मुंह दिखाई का तोहफा तलाक की सूरत में दूंगा। इसके बाद तबीन का क्या हाल बनेगा वो तुम सोच सकती हो। अब तुम बताओ तुम्हारा फैसला क्या है, वो नाज़ी के जर्द होते चेहरे को देखकर सख्त लहजे में बोला। नाज़ी का सर चकराने लगा था। अब ऐसा नहीं करेंगे, इसने रुक रुक कर कहा। इसके गले से आवाज निकल नहीं रही थी, इसके हाथ ठंडे बर्फ हो गए थे। मैं ऐसा ही करूंगा, इसे नाज़ी की खौफ से फैली आंखों में देखकर हमेशा वाले जिद्दी लहजे में कहा। तुम जानती हो कि ताबीन मेरी कोई बात नहीं टालेगी, वैसे भी मुझे पाना तो इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मुझे पाकर जब वो आसमान में उड़ने लगेगी तब, वो एक पल के लिए रुका, नाज़ी सांस रोक के इसकी बात सुन रही थी। तब मैं इसे तलाक देकर आसमान से जमीन पर पटख दूंगा, फिर क्या बनेगा ताबीन का, क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो? तब इसके साथ क्या होगा? हाशिम ने बेरहम अंदाज में इसका नक्शा खींचा था। नाज़ीन की रूह फना होने लगी, इसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरजने लगा। वो सोचने लगी कि अगर ऐसा हो गया तो ताबीन पागल हो जाएगी, वो जिंदा नहीं बचेगी, नाज़ीन कैसे अपनी बहन को मरने दे, वो कैसे इस बेदर्द शख्स के हाथों अपनी बहन की मौत के हवाले होते देख सकती थी। लेकिन वो खुद भी तो इस शख्स के साथ नहीं रह पाएगी, पर इनमें से किसी एक को तो कुर्बान होना ही था ना। इसे सामने बैठे इस शख्स से नफरत महसूस होने लगी थी। फिर एक ख्याल के आते ही वो चौंकी थी, हो सकता है ये शख्स झूठ बोल रहा हो। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप सच बोल रहे हैं, इसने हाशिम की आंखों में देखकर पूछा। हाशिम ने बगौर इसके चेहरे को देखा और फिर पुरसुकून अंदाज में टेबल से मोबाइल उठाकर कॉल मिलाने लगा। इसने ताबीन को कॉल मिलाकर स्पीकर ऑन किया। हाशिम कहाँ हैं आप? ताबीन की बेचैन आवाज पर नाज़ीन के जिस्म से जान निकलने लगी। मैं रास्ते में हूँ, हाशिम ने नाज़ीन को देखकर जवाब दिया। जल्दी आए ना, मुझसे इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा, जाने आपने क्या बात करनी है, ताबीन ने बेताबी से कहा। नाज़ीन जानती थी कि इस शख्स ने ताबीन से क्या बात करनी थी। बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ, हाशिम ने बात खत्म करके कॉल काटी। फिर नाज़ीन को देखा जिसकी आंखों में दूर दूर तक खौफ के साए फैले थे। 5 मिनट का वक्त देता हूँ, सोचकर जवाब दो मुझे, हाशिम ने स्पॉट अंदाज में बाजू पर बंधी घड़ी पर नजर डालकर कहा। इसके लहजे में नरमी की कोई गुंजाइश ना थी, सियां के नाज़ीन के चेहरे पर जमी थी। क्या करूं कि वो शख्स मेरी मजबूरी है, वो किसी भी हाल में इस गुड़िया को अपना बनाना चाहता था, फिर चाहे इसे पाने के लिए इसे कितना ही बुरा क्यों ना बनना पड़े। इसकी बात पर नाज़ीन का दिल बंद होने लगा था। इसकी आंखों के सामने धुंध की चादर फैल गई। प्लीज
ऐसा मत करें। इसे नम आंखें उठाकर इसे देखा, पर इस वक्त इस जालिम शहजादे को इस कांच की गुड़िया पर जरा रहम ना आया। इसका दिल इस वक्त पत्थर का हो गया था। नाज़रीन जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी थी और यह पार का फैसला करना था। वो 5 मिनट इस पर अजाब बनकर गुजरे थे। इसने आखिरी उम्मीद के तौर पर हाशिम को देखा कि शायद इसका पत्थर दिल पिघल जाए, पर वहां कोई असर ना हुआ। अचानक वो उठ खड़ा हुआ और फिर अपना कोट झाड़कर नाज़रीन की हैरान सूरत को देखा। लगता है तुमने फैसला कर लिया है। इसने मसरूफ अंदाज में अपना मोबाइल उठाया। मैं चलता हूँ, तभी मेरा इंतजार कर रही होगी। वो जाने के लिए पलटा। इसकी बात पर नाज़रीन ने दिल पर कयामत टूट पड़ी। वो खुद को कुर्बान हो सकती थी, पर तबीन को बर्बाद होने नहीं दे सकती थी। वो एकदम उठ खड़ी हुई। हाशिम खान, इसने लड़खड़ाई आवाज में पुकारा था। हाशिम के कदम थम गए थे। वह आहिस्ता से इसकी तरफ पलटा। नाज़रीन सर झुकाकर इसकी तरफ बढ़ी। मुझे मंजूर है। ये तीन अल्फाज कहते नाज़रीन कई टुकड़ों में टूट कर बिखरी थी। इसका जवाब सुनकर हाशिम का दिल सीने की दीवार तोड़कर बाहर निकलने को बेताब था। दिल चाहे जितना भी दीवाना होता, पर इसने इस दिमाग पर हावी नहीं होने दिया था। अगर वह इस वक्त नरम पड़ गया तो वह इस लड़की को फिर कभी नहीं पा सकेगा। इसे नाज़रीन को अपने साथ आने का इशारा किया। वो मुर्दा कदमों से इसके साथ बाहर निकली थी। गाड़ी चलती चली जा रही थी और नाज़रीन बिल्कुल सुनसी बैठी गुजरते मंजर को पथराई आंखों से देख रही थी। गाड़ी एकदम रुकी। नाज़रीन ने चौंककर सामने देखा, वो कोई अनजान जगह थी। कार इस वक्त खान विला के पोर्च में खड़ी थी। आप मुझे कहाँ ले आए? मुझे घर जाना है। नाज़रीन ने डरकर हाशिम को देखा। पहले निकाह तो होने दो, फिर घर भी चली जाना, हाशिम ने संजीदगी से कहा। मैं मान गई हूं ना, फिर निकाह की इतनी जल्दी क्या है? नाज़रीन ने जल्दी से कहा। मुझे मजीद इंतजार नहीं करना, निकाह अभी और इसी वक्त होगा नाज़रीन हसन अफनंदी, हाशिम ने पेशानी पर बल डालकर कहा। चलो उतरो। इसे इशारा करता वो इसे कार से उतरा। नाज़रीन का वजूद कप कपाने लगा। काश वो यहां से भाग सकती या गायब हो जाती, बस वो इस शख्स की पहुंच से कहीं दूर चली जाती। नाज़रीन बुत बनी बैठी थी तो हाशिम ने इस कार का दरवाजा खोलकर इसका हाथ थाम कर इसे बाहर निकाला। नाज़रीन ने इसके गिरफ्त से अपना हाथ निकालना चाहा तो वो बोल पड़ा। अब से ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहेगा, तुम चाहकर भी नहीं छुड़वा पाओगी, इसे नाज़रीन की आंखों में देखकर मायने खेज अंदाज में कहा। नाज़रीन ने आंखें जोर से बंद करके खोली, जैसे इस मंजर को गायब करना चाहती हो, पर आंखों के सामने अब वो शख्स खड़ा था। अचानक मौसम ने रंग बदला था। आसमान पर काले बादल छाने लगे, जैसे आंधी हुई और तूफान आने वाला था। नाज़रीन ने चौंककर आसमान को देखा, तभी हाशिम इसका हाथ थामकर शीश महल में दाखिल हुआ। नाज़रीन ने इसके साथ घसीटती चली जा रही थी। वो नाज़रीन को लेकर अपने कमरे में आया, फिर इसे बेड पर बिठाया। थोड़ा सा इंतजार करो, फिर तुम मेरी बन जाओगी, हाशिम ने मोहब्बत से इसका हाथ थपकड़ छोड़ा। नाज़रीन सर झुका गई, इसे कोई जवाब न दिया, बस मुतबनी बर्फ की मानी बैठी रही। हाशिम कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ा कि असवी एकदम सामने आया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हाशिम। मैं इस वक्त कोई बात नहीं सुनना चाहता असवी, इसने संजीदगी से असवी को देखा। मौलवी साहब आ गए हैं, इसने घड़ी देखकर पूछा। वो इस वक्त कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था। हाँ, असवी ने खफगी से जवाब दिया। मुंह ठीक करो अब, तुम्हें आज नाज़रीन का भाई बनकर इसका निकाह मुझसे करवाना है, हाशिम इसे देखकर मध्यम सा मुस्कुराया। खूब रही, उल्टे काम तुम करो और फिर अपने साथ मुझे भी फंसा लो, असवी तपकर कहता वहां से चला गया। हाशिम भी मुस्कुराहट दबाकर इसके पीछे गया। ड्राइंग रूम में इसके कुछ दोस्त और मौलवी साहब बैठे थे। गवाहों की मौजूदगी में मौलवी साहब ने हाशिम खान और नाज़रीन हसन अफनंदी का निकाह पढ़ाया था। असवी जब कमरे में नाज़रीन से निकाह नामे पर साइन लेने आया तो नाज़रीन ने आंसुओं भरी आंखें उठाकर पुरउम्मीद नजरों से इसे देखा था कि शायद वो इसे इस शख्स से बचा ले, पर असवी शर्मिंदा सा नजरें फेर गया। वो इस मासूम लड़की की मदद नहीं कर सकता था, इसका दोस्त दीवाना था, वो इस वक्त किसी की बात मानने वाला ना था। नाज़रीन ने कांपते हाथ में पेन थामा था। आंखों के सामने धुंध छाने लगी। इसे अपने हाथों में से अपनी मौत के कागजात पर दस्तखत किए थे। असवी निकाह नामा लेकर खामोशी से इसके सर पर हाथ रखता कमरे से बाहर निकल गया। नाज़रीन बेड पर अपने कांपते वजूद को समेट कर बैठी, फिर हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। इसने ख्वाब में भी कभी ना सोचा था कि इसके साथ कुछ ऐसा होगा। क्या बनेगा इसका,
इसे आपी को बचाने के लिए ये कदम तो उठा लिया, पर अब वो बाबा जान का सामना किस मुंह से करेगी? अमताल अफनंदी और ताबीन, वो इसके साथ क्या करेंगी? इसने ताबीन के लिए खुद को कुर्बान किया था, पर क्या ताबीन इस बात को समझ पाएगी? हाशिम उस वक्त जिस अंदाज में बात की थी, नाजिक का दिमाग बिल्कुल सुन हो गया था। बात इस तब इस एक बात के अलावा वो कुछ और सोच ही ना पाई। यहाँ वो ताबीन उस वक्त इन दोनों में से किसी एक को चुना था और इसने खुद को चुना था। वो अपनी बहन को अपनी मामा की तरह तड़प तड़प कर मरते नहीं देख सकती थी। सुनहरा को भी तो हसन अफनदी ने आसमान पर बिठाकर फिर जमीन पर पटख दिया था, फिर इसके जिस्म से जान नहीं रही थी। हाशिम भी तो यही सब कुछ ताबीन के साथ करना चाहता था, फिर वो कैसे जाने जानते बूझते अपनी बहन को मौत के मुंह में जाने दे सकती थी? वो घुटनों में सर दिए खामोशी से आंसू बहाती सोचों के जाल में फंसी थी। अचानक बेड पर वो इसके सामने आ बैठा। नाजी ने चौंक कर सर उठाया और हाशिम ने इसके चेहरे को देखा। मुसलसल रोने की वजह से इसकी नाक और गाल लाल हो रहे थे, उलझी लटे चेहरे पर बिखरी थी और वो नीली आंखें, इनमें तैरता गुलाबीपन, वो आंखें इसकी जान लेने के दर पर थी। हाशिम खान इन आंखों पर अपना आप वार सकता था। एक अखदा मोल सवा लख बुलिया, पूरा यार तोला ते की बंसी। नाजिन इस वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि वो मोहब्बत सा पलक झपकाए इसे देख रहा था। नाजिन होश में आकर एकदम बेड से नीचे उतरे, फिर दुपट्टा अच्छे से अपने गिर लपेटा। मुझे घर जाना है, इसने नम आवाज में इसे देख कर कहा। क्यों, अब तो हमारा निकाह हो गया है, अब तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना है, वो बेड से उठता संजीदगी से बोला। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बस घर जाना है, वो सर झुकाकर नम आवाज में बिल्कुल बच्चों की तरह जिद्दी लहजे में बोली। इसके अंदाज पर हाशिम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। अच्छा ठीक है, पर वो दिलकशी से कहकर रुका। नाजी ने सर उठाकर सवालिया अंदाज में इसे देखा। पहले निकाह की खुशी में मुबारकबाद तो दे दूं, हाशिम ने बाहें फैलाकर शरारत से कहा। नाजी खौफजदा नजरों से इसे देखकर खुद में सिमटते पीछे दीवार के साथ लगी। मेरे साथ ऐसा मत करें, इसने मध्यम आवाज में कहा। आंख से मोती टूटकर बिखरा था, इन नीली आंखों में वैरानी और खौफ ही खौफ फैला था। हाशिम का चेहरा एकदम संजीदा हुआ। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वो भारी आवाज में कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा। नाजिन जल्दी से आंसू साफ करती इसके पीछे चलने लगी। शीश महल से निकल वो गाड़ी में बैठे, जहाँ आते हुए वो नाजिन हसन हमनंदी थी, पर यहाँ से जाते हुए वो नाजिन हाशिम खान बन गई थी। गाड़ी में सकूत छाया, हाशिम खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था, जबकि नाजिन ने हाथ मसल कर एक नजर हाशिम को देखा और फिर विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगी, जहाँ बारिश बरस रही थी। एक सवाल बुरी तरह नाजिन के दिमाग में चकरा रहा था, आखिर इससे रहा नहीं गया तो बोल पड़ी। बात सुने, इसे मध्यम आवाज में कहा। जी सुनाए, हाशिम हनूस बाहर देखता हुआ बोला था। आपने कहा था कि आप तबीना आप इसे निकाह करके इन्हें तलाक दे देंगे, इसने झिझक कर कहा। हाशिम ने पुरसकून अंदाज में इस बात में सर हिलाया। फिर क्या आप मुझे भी तलाक दे देंगे, इसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। वो सोच रही थी कि शायद इसने इसे भी तलाक देने का सोचा हो, फिर तो अच्छा ही होगा, किसकी जान अजाब से छूटेगी। हाशिम ने इसे देखा और वो अच्छे से समझ चुका था कि मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें तलाक देने के लिए मैंने तुमसे निकाह नहीं किया, इसने संजीदगी से कहा। तुम्हें तो सारी जिंदगी अपने साथ बांध कर रखूंगा, चाहकर भी तुम मुझसे अपना दामन नहीं छुड़ा सकोगी। इस बात को अभी से दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा या तुम मुझे, इसकी आंखों में देख संजीदा और अटल लहजे में बोला। नाजिन इसकी आंखों में ना देख सकी तो फिर मुंह फेर गई, आखिरी उम्मीद जैसे दम तोड़ चुकी थी। इनका ये रिश्ता क्या तूफान बर्पा करने वाला था, इस सोच से ही नाजिन की रूह कांप उठी थी। इसने परेशानी से खिड़की से बाहर देखा और बारिश के बरसने में तेजी आ चुकी थी। गाड़ी हसन विला के सामने रुकी तो नाजिन ने जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसका हाथ हाशिम ने अपने हाथ में झगड़ा। नाजरीन ने चौंक कर इसे देखा। नई जिंदगी मुबारक हो नाजरीन हाशिम खान, हाशिम ने मोहब्बत से कहकर इसकी ठंडी हथेली पर लब रखे। नाजरीन पूरी जान से कांप उठी, इसने जल्दी से अपना हाथ खींचा। इसे लगा जैसे इसके हाथ पर जलता अंगारा रख दिया हो। नाजरीन हाशिम खान, इस नाम पर इसकी हरकत पर नाजरीन की आंखों से इस शख्स के लिए नफरत छलकने लगी। इसके बाप के नाम की जगह आज इस शख्स का नाम उसके नाम के साथ जुड़ गया था।
जिससे इसे नफरत थी। इसने जलती आंखों से इसे देखा। आई हेट यू, नफरत से पुल लहजे में कहती वह झट से दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतर गई। बारिश ने इसे भिगो डाला था। वो रोती हुई तेजी से आगे बढ़ती घर का गेट पार कर गई। हाशिम कितने ही पल साकित सा बैठा रहा। नाजी ने नफरत से पुर अल्फाज कानों में गूंजे तो इसने दांत पीसकर जोर से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। तुम्हें नफरत से मोहब्बत के सफर तक ही हाशिम खान लेकर आएगा नाजिन हाशिम खान, इसने जुनूनी अंदाज में सरगोशी की थी। नाजिन के कहे गए अल्फाज तीर की माने थे इसके दिल में पेवस्त हुए थे। वो दीवाना वारिस से चाहता चला जा रहा था, वो क्यों इससे नफरत कर रही थी? वो भी तो इस दीवाने आशिक को कभी दीवानगी से जवाब दे, पर क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि वो गुड़िया शहजादे को चाहने लगे? इस मोहब्बत जुनून जिद और नफरत के सफर में जाने कौन क्या खोएगा और क्या पाएगा। दिल तुझ पे फिदा हुआ, कमबख्त शौक से तबाह हुआ। शहरयार नूर ने कॉरिडोर से गुजरते शहरयार को पुकारा। वो एकदम रुककर पलटा। नूर आहिस्ता से चलती इसके सामने खड़ी हुई। कल हाशिम लाला के साथ अपने रवैये की वजाहत करेंगे, इसने संजीदगी से इसका चेहरा देखकर पूछा। मैं अपने रवैये के लिए किसी को जवाबदेह नहीं हूं, शहरयार की पेशानी पर बल पड़े। हाशिम लाला के साथ आपके जो भी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर इशू सबके बीच, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे दिखावा नहीं होता, संजीदगी से बोला। लाला इतने अरसे बाद आए थे, अगर आप इनसे अच्छे से मिल लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका, उन्होंने उदासी से कहा। मैं तुम्हारे भाई के कदमों में नहीं गिर सकता, समझी, वो रूखे लहजे में बोला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, नूर ने दुख से इसे देखा। आप पहले तो ऐसे ना थे शहरयार, आप और लाला की दोस्ती तो मिसाली रही है, फिर इस छोटी सी बात पर आपका ये रवैया नहीं होना चाहिए। वो बात इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप और खान बाबा इसे भुला ना सके, वो ठहर ठहर कर बोली। अगर मैं भी वही करूं जो तुम्हारे भाई ने किया, फिर शायद तुम्हें ये बात छोटी ना लगे, वो तंजिया मुस्कुरा कर बोला। नूर की आंखों में नमी जमा होने लगी। लाला, वाकई आपको हाशिम लाला के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था, अभी चलकर आती नूर के साथ खड़ी हुई। तुम बीच में मत बोलो अभी, शहरयार ने सख्ती से कहा। क्यों लाला, ये इस घर का मसला है, मेरा मसला है, फिर मैं क्यों ना बोलूं? अभी ने संजीदगी से भाई को देखा। मेरा सर मत खाओ अभी, अपने इस दोस्त को भी लो और जाओ यहां से, मैं फजूल बातें नहीं सुनना चाहता, इसने गुस्से से चबाकर इन्हें जाने का इशारा किया। चलो नूर, अभी ने खामोश खड़ी नूर का हाथ पकड़ा और बिना शहरयार को देखे वहां से चली गई। शहरयार ने इनकी पुश्त को देखा। इसने आज तक अभी से गुस्से में बात नहीं की थी, पर आज डैम इट, दीवार पर जोर से हाथ मारकर वो पलटकर वहां से निकल गया। अभी ने नूर को बेड पर बिठाया, फिर खुद इसके सामने बैठी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना नूर, पर मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता भी तो नहीं है, अभी ने इसके हाथ थामकर उदासी से कहा। नहीं अभी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर, नूर ने आगे बढ़कर इसे प्यार से गले लगाया। बात इतनी बड़ी नहीं है, पर लाला ने इसे अनाव का मसला बना लिया है, जाने लाला और खान बाबा कब इस बात को समझेंगे, अभी ने नम आवाज में कहा। और नूर सोचने लगी, जाने वो पत्थर कब पिघलेगा, एक ऐसी बात जिसे बैठकर सुलझाया जा सकता था, इसे लेकर वो शख्स इस कदर रिएक्ट कर रहा था। वो शहरयार से क्या गिला करती कि इसके अपने वालिद ने इस बात को मसला बना लिया था, जिसने इन सब के और हाशिम खान के बीच फासले पैदा कर दिए थे। यूं ही तो पलकों पर या कूद नहीं आवेज, कुछ तो है जो मेरे सीने में पिघलता होगा। अगले दिन इसकी देर से आंख खुली और वह यूनि नहीं जा पाई थी। बेड से उठकर वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मुंह धोकर बाहर निकली तो आईने के सामने खड़े होकर अपने सिरापे पर नजर डाली। बिखरे बाल, बेरान चेहरा, गुलाबी आंखें, वो बिल्कुल उजड़ी हुई लग रही थी। इसने ब्रश उठाकर बालों में फेरा और फिर लंबी सांस खींचकर दुपट्टा ठीक करती कमरे से निकली। नीचे आई तो खामोशी छाई हुई थी। बाबा जान और बड़ी मामा शायद जा चुके थे। वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई पर सामने का मंजर देखकर रुक सी गई। तभी इन गुस्से में सहमी सी खड़ी दूर पर चिल्ला रही थी, इडियट, कही कि मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने, अंधी हो, नजर नहीं आता, इलाज करवाओ अपना, स्टूपिड। तबीन अपने कपड़े झाड़ते हुए चबाकर बोली। बेचारी नूरी के हाथ से तबीन के ऊपर थोड़ी सी कॉफी गिर गई थी, जिसकी वजह से अब तबीन के निशाने पर थी। माफ कर दे बाजी,
नूर ने मरी हुई आवाज में कहा। इसकी आंखें नम हो रही थी और नाज़रीन सारी बात समझकर जल्दी से इनकी तरफ बढ़ी। बाजी बाजी नहीं हूं मैं तुम्हारी जाहिल लड़की, तभी ने इसे घूर कर कहा। प्लीज आप एक गलती हो गई नूरी से, माफ कर दे, नाजी ने नूरी के साथ खड़े होते हुए जल्दी से कहा। इसे गलती हो गई है, पर मेरा ड्रेस तो खराब हो गया ना, मामा ने भी जाहिल नौकर रखे हुए हैं। वो गुस्से से अपने ड्रेस को देखती पैर पटककर ड्राइंग रूम में से बाहर निकली। कल से तबीन का मूड सख्त खराब था। कल हाशिम ने इसे मिलने बुलाया था और वह 2 घंटे इसके आने का इंतजार करती थी, पर हाशिम ने कॉल करके इसे कह दिया था इसे इसकी अर्जेंट मीटिंग है इसलिए वो नहीं आ पाएगा। तब इनका दिमाग घूम कर रह गया था, इतना इंतजार करने के बाद वो नहीं आया था। इसे गुस्सा तो बड़ा है, पर जाहिर सी बात है वो हाशिम खान को भूलकर भी अपना गुस्सा नहीं दिखा सकती थी। पहले ही मुश्किल से इससे वो बात करने लगा था, वो कुछ उल्टा कहकर इसे खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए कल से बड़ी बेटी तबीन के गुस्से का निशाना छोटी सी नूर बनी थी। नाजीन ने नूर के कंधे पर हाथ रखा, नूरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। नूर रो मत, आप ही की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, इसने नरमी से नूरी के आंसू साफ करते हुए कहा। कोई बात नहीं नाजी बाजी, आप माफी ना मांगे हमारा क्या है, हम तो वैसे भी नौकर हैं, हमें इस रवैये की आदत है। वो नाजी को देखकर दुख से मुस्कुराई। तुम जानती हो ना नूरी कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरी साथी हो, मेरी दोस्त हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो, नाजी ने मोहब्बत से कहकर इसे गले लगाया। इसे तबीन के लहजे पर अफसोस हो रहा था, इसे नूरी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बहुत अच्छी है नाजी बाजी, नूरी इससे अलग होकर नम आंखों से साथ मुस्कुरा कर बोली। और तुम भी छोटी सी नूरी, नाजी ने मुस्कुराकर इसका गाल थपका। चले आप बैठे, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता लेकर आती हूँ, नूरी मुस्कुराकर कहती किचन की तरफ बढ़ी। नाजी के मोहब्बत भरे बोलों ने इस मासूम के चेहरे को मुस्कुराहट में सजा दिया था। दो मोहब्बत भरे बोल बोलने से किसी का कुछ नहीं जाता, हाँ पर सामने वाले के दिल में इस शख्स के लिए मोहब्बत और कदर बढ़ जाती है, जबकि तलखी फैलाने वाले किसी के दिल में नहीं समा पाते। तबीन और नाजी में भी यही फर्क था, एक मुस्कुराहटें नोच लेने का फन जानती थी तो दूसरी अपनी मोहब्बत से अपने नर्म लहजे से दूसरों के चेहरे को मुस्कुराहटों से सजा देती थी। नाजी कुर्सी घसीट कर बैठी, नाश्ता करने का इसका जरा दिल नहीं कर रहा था, पर नूरी ने खुशी से इसके सामने नाश्ता रखा तो इसने चंदे वाले जहर मार किए। नाश्ता करके वो अपने कमरे में आई, वहां से इसके कदम अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े जो पेंटिंग रूम में खुलता था। दिल की उदासी दूर करने के लिए वो रंगों की दुनिया में खो जाना चाहती थी। वो कैनवस सेट कर रही थी जब रूम में पड़ा इसका मोबाइल रिंग करने लगा। नाजी ने ध्यान ना दिया और अपने काम में मसरूफ रही, पर एक के बाद दूसरी फिर तीसरी कॉल आने लगी। उफ़, जाने कौन है, वो झुंझुलाकर कहती कमरे में वापस आई, साइड टेबल से मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली। हाशिम खान, इसने चबाकर कहा, फिर कॉल कट कर दी और मोबाइल रखने लगी जब मैसेज टोन बजी। इसने मैसेज ओपन किया। तुम कॉल उठाओगी या मैं खुद आऊं, इसका धमकी भरा मैसेज पढ़कर नाजी ने एक पल के लिए डर गई, फिर दांत पीसकर मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली। जहन्नुम में जाओ, गुस्से से कहकर इसे मोबाइल ऑफ करके बेड पर फेंका और पलटकर पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वो तीनों लाइब्रेरी में बैठी थी, नाजी तो किताब पढ़ने में मसरूफ थी जबकि नूर और आबिया आहिस्ता आवाज में गप्पे लगा रही थी। नाजी, नूर ने सरगोशी की। नाजी ने सर उठाकर सवालिया अंदाज में इसे देखा। उठो ना, अब बाहर जाए, आबी आगे होकर बोली। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, नाजी ने इन्हें देखकर कहा। ना जी, हम तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे, नूर जल्दी से बोली तो नाजी ने एकदम मुस्कुराने लगी। अच्छा चलो फिर, तीनों अपनी चीजें समेटकर बाहर निकली। कैंटीन चले, आबी ने चुटकी बजाकर कहा। तुम कुछ खाए बगैर नहीं रह सकती। नहीं ना, फिर चलो, नूर ने इसे चढ़ाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर आबी ने मुंह बनाया और नाजी मुस्कुराने लगी। कैंटीन पहुंचकर वो अपने टेबल पर बैठी। तुम बात करो जरा अभी से इस बुकशॉप वाले लड़के की, फिर इसकी शक्ल देखना, नूर नाजी की तरफ झुककर आहिस्ता से बोली। अभी मैडम इनकी बात से अनजान मजे से सैंडविच खाने में मसरूफ थी। अभी, नाजी ने हंसी दबाकर इसे पुकारा। अभी ने सैंडविच खाते मसरूफ अंदाज में कहा। वो बुकशॉप वाला लड़का कहीं दोबारा तो नहीं मिला ना, नाजी ने शरारत से पूछा। अभी ने चौंक कर इसे देखा, इसका मुंह हैरत से खुल गया, वो सैंडविच खाना भूल चुकी थी। तुम्हें इस चुड़ैल ने मेरे पीछे लगाया है ना, अभी ने चबा कर कहते नूर को देखा जो दांत निकाल रही थी। अच्छा जवाब तो दो, नाजी ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ पूछा। ये नूर की बच्ची 24 घंटे मेरे सर पर सवार रहती है, इसी से पूछो किसने कभी इस बदतमीज को मेरे आसपास देखा है, इसने तब कर नूर की तरफ इशारा किया।
ख्वाब में तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होती ना, नूर ने आंख मार के कहा। तुम्हारा मतलब है मैं इसे ख्वाब में देखती हूँ? अभी ने खा जाने वाले अंदाज में इसे देखा। हो सकता है देखती हूँ, बंदा जिसके बारे में ज्यादा सोचे वो ख्वाब में तो जरूर आता है, नूर शाने चुकाकर मजे से बोली। मैं इसके बारे में सोचती हूँ, अभी ने दबकर इसे घूरा। हाँ, नूर ने हंसकर जोर जोर से इस बात में सर हिलाया। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी नूर की बच्ची, अभी ने इससे शदीद गुस्से से घूरा। देखना नाजिन, वो इसे जल्दी फिर मिलेगा, मेरी छठीस कभी गलत नहीं कहती, नूर से इग्नोर करती नाजिन को देखकर मजे से बोली। सच्ची? फिर तो बहुत मजा आएगा, नाजिन ने आंखें फैलाकर मुस्कुराते हुए कहा। नूर कुछ बोलने वाली थी जब अभी ने इसकी बात काटी। अल्लाह ना करे वो लफंगा आदमी मुझे कभी दोबारा मिले, इसने गुस्से से कहा। और नूर तुम थोड़ा तो खुदा का खौफ करो, क्यों मासूम बच्ची को बिगाड़ रही हो, इसने नाजिन की तरफ इशारा किया। इसकी बात समझकर नाजिन और नूर एकदम खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं तो बिगाड़ हुई ही, नूर ने शरारत से आंख मारी। नाजिन तुम इसकी बात ना सुना करो, ये पागल है, अभी ने नाजिन को समझाने वाले अंदाज में कहा। नाजिन ने मुस्कुराहट दबाकर सर इस बात में हिलाया। मेरा बस चले ना तो मैं नाजिन को उठाकर घर ले जाऊं, फिर मेरी सोबत में रहकर ये पटाखा बन जाएगी, नूर चुटकी बजाकर बोली। जैसे तुमने मुझे पागल कर रखा है वैसे ही तुम नाजिन को भी पागल करना चाहती हो, अभी ने मुंह बिगाड़ कर कहा। मैं तुम दोनों को पागलों के साथ पागल हो बना पसंद करूंगी, नाजिन हंसकर बोली। तो वो दोनों इसे देखकर खिलखिला उठी। फिर तो मैं नाजिन को लाला के लिए मांग लेती हूँ, इस तरह ये हमेशा मेरे पास रहेगी, क्यों अभी, नूर ने मुस्कुराकर प्यार से कहते अभी से तस्दीक चाही। उफ, फिर तो मजा ही आ जाएगा यार, अभी ने हंसकर नूर के हाथ पर हाथ मारा जबकि नाजिन के चेहरे का रंग उड़ा। नूर की बात इसे तल्ख हकीकत के सामने ले आई थी, वो इन्हें क्या बताती कि एक शख्स जबरदस्ती जिंदगी में शामिल हो चुका था जिसे वह चाहकर भी दम नहीं छुड़वा सकती थी। क्या हुआ नाजली, नूर ने इसके कंधे पर हाथ मारा। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो, इसने नाजली का हाथ थामकर नरमी से कहा। नाजली ने मसनू मुस्कुराहट लबों पर सजाई, वो चाहकर भी कुछ ना बोल सकी। वो दोनों खामोशी से इसे देख रही थी और नाजिन के साथ जरूर कोई मसला था, वो सुबह से गुमसुम सी थी पर वो चाहकर भी ना पूछ सकी। वो लड़की अपने हॉल में बंद रहने वाले लोगों में से थी, वो शायद इन्हें बता ना पाती कि इसके साथ मसला क्या है, इसलिए वो कुछ पूछकर इसे मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। वो यूनि से वापस आई, इसने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो भारी मर्दान आवाज इसके कानों में पड़ी। इसकी आवाज को वो अच्छे से पहचानती थी, वो आहिस्ता से आगे बढ़ी तो एक तरफ से इसे रिलैक्स सा सोफे पर बैठे पाया। नूर साहिबा इसके सामने खड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा कर इससे कोई बात करी थी, जब इसकी नजर नाजनी पर पड़ी तो वो खुशी से बोली, ये देखे आशिम भाई नाजनी बाजी आ गई। इसकी बात पर नाजनी ने हैरत से नूरी को देखा, लगता है इसकी हाशिम से ज्यादा ही दोस्ती हो गई थी, तभी वो हाशिम साहब से हाशिम भाई बन गया था। हाँ मैं देख चुका हूँ, हाशिम संजीदगी से कहता उठ खड़ा हुआ। मैं भी चाय लाती हूँ, नूरी जल्दी से कहती वहां से निकल कर चली गई। हाशिम कुछ देर पहले ही हसन विला आया था, नूरी ने इसे बताया कि ताबीन बीबी घर पर नहीं है, पर जब हाशिम ने कहा कि वो ताबीन से ही नाजनी से मिलने आया है तो वो नूरी को हैरत हुई। नाजनी के घर में ना होने का सुनकर वो इसका इंतजार करने लगा। नूरी ने घूर कर इसे देखा था कि ये बदमिजाजी ताबीन का दोस्त इसकी नाजनी बाजी के इंतजार में क्यों बैठा है, पर थोड़ी देर गुजरी तो वह नूरी को अच्छा लगने लगा था। इसे लगा था हाशिम ताबीन का दोस्त है तो इसी की तरह ही मगरूर सा होगा, पर जब हाशिम ने इससे नरमी से बात की तो इसकी हाशिम साहब कहने पर इसने टोक कर कहा वो इसे हाशिम भाई कहे, तब वो नूरी की नजरों में इन चंद अच्छे लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया था जो नूरी ने बनाई हुई थी। वो सोचने लगी हाशिम भाई इतने अच्छे हैं फिर वो सड़ी हुई ताबीन के दोस्त क्यों है। नूरी के जाते ही नाजनी तेजी से हाशिम की तरफ आई, इस वक्त घर में कोई नहीं होता फिर आप क्यों आ गए, इसने जल्दी से कहा। पर मुझे जिससे मिलना है वो तो मौजूद है ना, वो नाजी की तरफ इशारा करके बोला। मुझसे क्यों मिलना है आपको, नाजी ने अबरू उठाकर पूछा। क्यों मैं अपनी बीवी से नहीं मिल सकता, वो दिलकशी से मुस्कुराया। खामोश हो जाए कोई सुन लेगा, नाजी ने चबाकर इर्द गिर्द देखकर आहिस्ता आवाज में कहा। अच्छा छोड़ो बाकी बातों को, तुम बैठो यहाँ थकी हुई आई हो, हाशिम ने इसका बैग लेकर एक तरफ रखा फिर इसके कंधों से थाम कर सोफे पर बिठाया। नूरी जल्दी से बाजी के लिए पानी और चाय लेकर आओ, हाशिम ने ऊंची आवाज में नूरी को ऑर्डर दिया। नाजनी आंखें फाड़ी से देख रही थी और वह ऐसे ऑर्डर दे रहा था जैसे ये इसका अपना घर हो। नाजनी अगले पल तपकर उठ खड़ी हुई। ये आप क्या कर रहे हैं, इसने घूर कर कहा।
अपनी बीवी का ख्याल रख रहा हूँ यार, वो मुस्कुराकर बोला। ये बीवी बीवी कहना बंद करें आप, नासी झुंझुलाई थी। तो क्या कहूं, हाशिम ने सीने पर हाथ बांधे। मिसेस हाशिम, ये ठीक है, इसकी तरफ झुककर शरारत से पूछा गया, अब खामोश नहीं रह सकते? नाजी का चेहरा खुला भी हुआ था। तुम बोलने का वादा करो तो मैं खामोश हो जाता हूं, हाशिम ने अब्रू उठाकर कहा। माफ रखे मुझे, नाजी ने भी सारी से हाथ जोड़े। तभी नूरी ट्राली लेकर अंदर दाखिल हुई। हाशिम पीछे होता सोफे पर बैठा और नाजी भी वहां से साइड होकर खड़ी हुई। नूरी ने चाय बनाकर हाशिम को दी। नाजी भाजी आपके लिए बनाऊं, नूरी ने इसे देखकर पूछा। नहीं नूरी, नाजी ने मतलब आवाज में इनकार किया। हाशिम को देखकर इसका सर दर्द से फटने लगा था। नाजी भाजी पता है, हाशिम भाई आपकी इस अधूरे चेहरे वाली पेंटिंग की तारीफ कर रहे थे। मैंने इन्हें बताया कि आपकी तो बेशुमार पेंटिंग्स हैं, एक से बढ़कर एक हसीन पेंटिंग बनाई है आपने, पूरा कमरा भरा पड़ा है, हाशिम भाई ने कहा, वो भी आपकी सारी पेंटिंग्स देखेंगे, हाँ ना हाशिम भाई? नूरी एक ही सांस में बोलती चली गई। इसकी बात पर हाशिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जबकि नाजी ने इसे खाने वाली नजरों से घूरा, पर नूरी इसकी तरफ मुतवज्जो न थी। एकदम बोली, आप दिखाएंगी ना हाशिम भाई को अपनी पेंटिंग्स? इसके पूछने पर नाजी ने एक नजर हाशिम को देखा। मैं अपनी चीजें जान लोगों को नहीं दिखाती नूरी, सख्ती से कहकर वो एक पल रुकी, फिर बोली, मैं आराम करने जा रही हूँ, मेहमान चाय पी लें तो इन्हें बाहर तक छोड़ देना, ओके? वो हाशिम को इग्नोर करती नूरी से कहती आगे बढ़ी। नूरी ने हैरत से इसे देखा, इतने नर्म लहजे में बात करने वाली इसकी नाजनी बाजी इस कदर गुस्से में बात कर रही थी। हाशिम भाई कितने अच्छे हैं, फिर जाने क्यों नाजनी बाजी इनसे ऐसे बात कर रही थी, नूरी ने उदासी से सोचा। नाजी साहिबा अब तो पेंटिंग देखे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हाशिम की भारी आवाज पर नाजी के कदम थम गए। फिर वो इसकी तरफ पलटी, वो नाजी को देखकर चाय का कप टेबल पर रखता उठ खड़ा हुआ। नूरी जाओ तुम खाना लगाओ, आज मैं लंच नाजी साहिबा के साथ ही करूंगा, हाशिम ने संजीदगी से कहा। नूरी हैरत से इन दोनों को देखने लगी, इसे समझ ना आई कि यहाँ चल क्या रहा है। जी हाशिम भाई, वो हैरत से कहती जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, नाजी ने तीखे लहजे में कहा, कल तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की थी, हाशिम ने इसकी आंखों में देखकर पूछा। क्यों करती, नाजी ने नुकता कर बोली, ना करना, पर जब भी तुम मेरी कॉल नहीं उठाओगी तब मुझे ऐसे ही अपने सामने पाओगी, वो इसके करीब आता अब्रू उठाकर बोला। उफ, मैं क्या करूं, नाजी ने बड़बड़ाकर अपना सर थाम लिया। फिलहाल तो तुम अपनी पेंटिंग्स दिखाओ, वो मुस्कुराकर बोला। नहीं, नाजी ने इसे घूर कर जिद्दी लहजा अपनाया। ओके, वो आराम से कहता वापस जाकर सोफे पर बैठा और फिर सामने पड़ा मैगजीन उठाकर सफ़े उलटने लगा। नाजी ने इसके पुरसुकन अंदाज पर इसे मुसलसल घूर जा रही थी। हाशिम ने सर उठाकर इसे देखा और फिर दिलकशी से मुस्कुराया। इतने गौर से मत देखो, मोहब्बत हो गई तो दीवानी हो जाओगी, इसकी बात पर नाजी ने सरहद से नजरें फेर ली। हाशिम कहका लगाकर हंसा। मोहब्बत से डरती हो, संजीदगी से पूछा गया। मोहब्बत से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे क्या जरूरत है डरने की, नाजी ने बेजारी से कहा। हाशिम खामोश सा इसका चेहरा देखने लगा। इसे मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर नाजीन को उलझन होने लगी। तभी लंबी सांस खींच कर बोल पड़ी, चले। वो इसे अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए राजी हो गई। वो इस शख्स से जितनी जिद ना थी इसलिए हार मानकर इसे चलने का इशारा किया। हाशिम मुस्कुराकर मैगजीन रखता उठ खड़ा हुआ, नाजीन इसे लेकर ऊपर आई। इसने पेंटिंग रूम का दरवाजा खोलकर इसे हाथ से अंदर जाने का इशारा किया। हाशिम ने रूम में कदम रखा तो इसे लगा वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है, दिलकश खूबसूरत रंगों की दुनिया, इस कांची लड़की की हसीन दुनिया में वो शहजादा दाखिल हो चुका था। स्याही महल आंखें कमरे में घूमकर अपने साथ खड़ी इस गुड़िया पर ठहर गई। इस चेहरे को देखकर जाने क्यों इसके दिल की दुनिया ऊपर नीचे हो जाती थी। वो बेजार सी सूरत बनाए जमीन को घूर रही थी। हाशिम के दिल में शिद्दत से यह ख्वाहिश जागी कि वो इस लड़की को छुपाकर इन्हीं रंगों भरी दुनिया में कहीं खो जाए, दुनिया की हकीकत से दूर, बस वो दोनों हो और इनकी मोहब्बत हो, काश ऐसा हो पाता। दिल जाने क्यों पागल हो रहा था, इसने आहिस्ता से नाजी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। झुकी आंखें हैरत से इसके चेहरे की तरफ उठी थी और वह दीवाना सा इसे देख रहा था। सात जादुई आंखों ने इन नीली झील आंखों को अपने कब्जे में ले लिया, वह चाहकर भी नजर ना फेर सकी। दुनिया की भीड़ से उतार से गए हैं, चलो आओ दूर कहीं चले चलते हैं, जहां प्यारा सा घर उंधा हो, सपनों का महल हो,
खुशियों की छाव में चले चलते हैं। चलो आओ दूर कहीं चले चलते हैं। थामो हमारा हाथ, करो हमारा एतबार, करके देखो तो सही खुद को हमारे सपुर्द। एतबार की नैया को पार, प्यार की झील में चलाते हैं। चलो आओ दूर कहीं चले चलते हैं, चलो आओ दूर कहीं चले चलते हैं। इसके गाल को नरमी से छूकर गंभीर आवाज में जादू फूंका गया था। नासरीन बिना पलक झपके से देख रही थी। चलोगे मेरे साथ यहां से कहीं बहुत दूर? मध्यम मुस्कान के साथ पूछा गया। इससे पहले कि वो जादूगर इसे अपने शहर में जगह लेता, नीचे से बर्तनों के जोर से गिरने की आवाज आई। साथ ही नूरी की अम्मा नूरी को डांटने लगी, जिसके हाथ से बर्तन गिर गए थे। नासरीन चौंककर हाशिम के हाथ से झटक कर दूर होती दीवार से जा लगी। आप मुझे अपनी बातों से शर्म नहीं कर सकते, इसने चबा कर कहते इसे देखा था, कर तो लिया था। हाशिम दरवाजे से टेक लगाकर बोला, हो ही नहीं सकता, नाजी ने मजबूत लहजे में कहा। नफरत और डर की पट्टी उतार कर जब तुम हाशिम खान को समझने लगोगी तो इसके बिन बोले ही इसकी दीवानी हो जाओगी, यकीन से कहा गया। अनजान लोगों को जानने का मुझे शौक नहीं है, नाजी ने सर झटका। दूसरी बार, इससे दाएं हाथ की दो उंगलियां उठाई, ये दूसरी बार है जब तुमने मुझे अनजान कहा। इसका अंदाज बिल्कुल स्पॉट था। जो है वही कहूंगी, नाजी इसकी आंखों में देखकर कहा। मुझसे ज्यादा तुम्हारा अपना दूसरा कोई नहीं, हाशिम ने संजीदगी से कहा। शोहर से ज्यादा बीवी का अपना कोई नहीं होता मिसेस हाशिम, ये बात भूलिएगा मत। वो एकदम मध्यम सा मुस्कुराया, श्याम आंखें चमक रही थी और नाजी ने इसे गुस्से से देखा। आप कभी भी मेरे अपने नहीं हो सकते, वो चबा कर बोली। ये तो वक्त ही बताएगा मिसेस हाशिम, वो चिराने वाले अंदाज में बोला। लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी और नाजी ने जब्त से आंखें बंद करके खोली। अगर वो खामोश ना हुई तो ये बहस तवील होती जाएगी और वो इस शख्स को जल्द से जल्द यहां से भगा देना चाहती थी, पर ये नहीं जानती थी आज वो इसकी जान छोड़ने के मूड में नहीं था। आप पेंटिंग देखने आए थे तो देखिए ना, नाजी ने झुंझलाकर कमरे की तरफ इशारा करके कहा। हाशिम ने इसके तासुरात समझकर हंसी जब्त की। ओके, इसे मुस्कुराकर अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाकर फिर आगे बढ़कर पेंटिंग देखने लगा। नासी ने इसकी पुष्ट को देखकर गहरी सांस भरी कि शुक्र बला टली। वो मगन सा पेंटिंग देख रहा था। एक से एक हसीन पेंटिंग इस लड़की के हाथों ने पेंट की थी। वो दीवार पर लगी हसन अफनंदी की पेंटिंग्स के सामने खड़ा हुआ। इट्स ब्यूटिफुल, इसने गर्दन फेर कर नासी को देखा। नासी ने खामोशी से एक नजर इस पर डाली और फिर नजरें फेर गई। हाशिम वापस पेंटिंग्स देखने में मसरूफ हुआ। फिर कुछ देर बाद जेरेला मुस्कुराकर एकदम नाजीन के सामने आया और नाजीन ने डर कर इसे देखा। तुम्हारे हाथों में जादू है, उम्मीद है कभी ये मोमी हाथ अपने शोहर की सूरत को भी कैनवस पर उतारेंगे, इसने जरा सा झुककर शरारत से कहा। ख्वाब में, नाजीन ने खुद को संभल कर तपे लहजे में कहा। चलो ख्वाब में ही सही, वो मध्यम सा मुस्कुराया। चले अब, इसकी बात को इग्नोर करके वो साइड से होकर कमरे से बाहर निकली और हाशिम भी मुस्कुराता हुआ इसके हम कदम हुआ। वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो नूरी ने इन्हें एक साथ देखा तो बोल पड़ी, उफ आप दोनों एक साथ कितने हसीन लग रहे हैं। इसके बाद वह नाजी ने इसे घूरा तो नूरी जबान दांतों दले दबा गई, जबकि हाशिम के अलावा पर मुस्कुराहट गहरी हुई। आशा ही खाना लग गया है, नूरी शामत से बचने के लिए जल्दी से कहती आगे बढ़ी और हाशिम ने नाजी को देखा। चलो, इसने नाजी का हाथ थामा। खुदा का खौफ करे छोड़े मेरा हाथ, चल रही हूं, नाजी चबाकर बोली तो हाशिम ने मुस्कुराहट दबाकर इसे चलने का इशारा किया। दोनों डाइनिंग रूम में दाखिल हुए और फिर टेबल पर आमने सामने बैठे। हाशिम ने खाना खाते हुए नाजी को देखा, जो खाना खाने के बजाय चम्मच को प्लेट में घुमाने में मसरूफ थी। इसे अपनी तरफ मतवजा किया गया और नाजी ने चौंककर सर उठाया। तुम खाना बना सकती हो मिसिस? इसने नाजी को खामोश देखकर जानबूझ कर बात छेड़ी। नहीं, नाजी ने आंखें सुकेड़ कर जवाब दिया, पर मैं तो अपनी बीवी के हाथ का खाना खाना पसंद करूंगा, वो शोखी से मुस्कुराया। तो नाजी ने घूर कर इसे देखा, तो तुम खाना बनाने के लिए तैयार हो? हंसकर पूछा गया। कभी नहीं, मैं कभी नहीं बनाऊंगी, वो सीधी लहजे में बोली। सो सैड, शोहर को भूखा मारोगी, इसने आबरू उठाकर कहा। जहर खा लीजिएगा, नाजी झिंझलाई थी। अपने हाथों से खिला देना, वो मक्खन सा इसकी आंखों में देखकर बोला। मुझे मुजरिम नहीं बनना, नाजी ने आंखें सुकेड़ी। मेरी मुजरिम तो तुम बन गई, बन चुकी हो, से आंखें इसके शदाब चेहरे पर थी।
क्या जुर्म किया है मैंने? नाज़ी ने तंग आकर पूछा। मोहब्बत के जवाब में नफरत करने का जुर्म। वही नीली आंखों को देखने लगा। नाज़ी ने कुछ पल इसकी आंखों में देखा, पर जब स्याह आंखें हनुज इसके आंखों में झांकती रही तो वो झिझक कर पलके गिरा गई। चेहरा गुलाबी हुआ। इसने बेचैनी से हाथ बढ़ाकर बाल कान के पीछे किए और इसके बेचैन अंदाज को देखकर हाशिम के लबों पर हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर इसे मजीद तंग ना करते हुए इसने नजरें इस गुलाबी चेहरे से हटा दी। कुछ देर बाद नूरी वहां आई। कुछ चाहिए आप लोगों को? इसने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नूरी, खाना तो बस खा चुके हैं। वो हाथ साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया इतने अच्छे लंच के लिए। इसे मुस्कुराकर नूरी को देखा, जो इसकी बात पर खुशी से खिल सी उठी। हाशिम वहां से डाइनिंग रूम में की तरफ बढ़ा। इसे जाते देखकर नाज़िम भी जल्दी से उठकर इसके पीछे गई और अभी इसे जल्दी से रुखसत करे। वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई तो देखा मोहतरम रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठे अपने मोबाइल के साथ मसरूफ थे। आप आखिर कब जाएंगे? नाज़िम ने इसे देखकर रोने वाले अंदाज में पूछा। मुझे भगाने की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? हाशिम ने इसे देखकर आबरू उठाया। क्योंकि मुझे आपकी यहाँ मौजूदगी पसंद नहीं है, वो साफ अल्फाज में बोली। अच्छा? वो इतना कहकर फिर से मोबाइल में मसरूफ और नाज़िम का बस नहीं चल रहा था इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर निकाल देती। कुछ देर बाद वो मसरूफ अंदाज में बोला, नूरी ने बताया कि तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, रोज़ अपने बाबा के लिए स्पेशल चाय बनाकर ले जाती हो। क्या वाकई? इसकी बात पर नाज़िम ने दांत पीसे। अल्लाह तुम्हें पूछे नूरी, कुछ ना छोड़ा तुमने, सब कुछ बता दिया इस आदमी को। नाज़िम ने तप कर सोचा। अब आपको चाय पीनी होगी? नाज़िम ने एकदम पूछा। बिल्कुल, माशाल्लाह से कितनी सहीन हो, इतनी जल्दी शोहर के दिल की बात जान गई। इसे देखकर तंग करने वाले अंदाज में मुस्कुराया और नाज़िम इसकी बात को इग्नोर करती वहां से निकली, ताकि इसे चाय बनाकर दे और जल्दी से इसकी जान छोड़े। किचन की तरफ बढ़ते इसने दांत पीसे। इसने नूरी की बच्ची को तो वो बात में सीधा करेगी। कुछ देर बाद वो चाय बनाकर कप थामे इसके सामने खड़ी हुई। ये ले। इसकी आवाज पर हाशिम ने सर उठाकर इसे देखा और फिर मुस्कुराकर कप थामा। नाज़िम वहां से हटकर एक तरफ होकर खड़ी हुई। हाशिम ने चाय का सिप लिया। परफेक्ट, हाशिम कहकर खामोशी से चाय पीने लगा। जब नाज़िम ने हैरत से इसे देखा, इसने बिल्कुल बाबा जान की तरह कहा था। वो कितने ही पल इसे देखे गई जाने क्यों, पर इस एक लम्हे ने इसे वो शख्स इतना बुरा हरगिज नहीं लगा था जितना वो इसे समझी थी। हाशिम चाय पीकर एकदम उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया। इसकी भारी आवाज पर नाज़िम ने हड़बड़ाकर जल्दी से नजरें झुकाई और पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है तो इसके बदले मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए ना, हाशिम इसके सामने खड़ा होकर मोहब्बत से बोला। और नाज़िम ने सर उठाकर इसे देखा। क्या मतलब? इसके पूछने पर हाशिम ने कोट की जेब से छोटी सी लाल डिबिया निकाली और नाज़िम की आंखें हैरत से फैल गई। तुम्हारे लिए। इसने नाज़िम की आंखों में देखकर बॉक्स खोला जिसके अंदर खूबसूरत से डायमंड की रिंग चमक रही थी। अगले पल इसने रिंग हाथ में पकड़कर नाज़िम का बायां हाथ गिरफ्त में लिया। नाज़िम एकदम होश में आई। छोड़े मेरा हाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसने उजलत से कहते अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। कम ऑन मिसेस, आपके ये तोहफा कबूल करना ही पड़ेगा, वरना आप ये नहीं चाहेंगी कि मैं यहाँ आपके साथ बैठा रहूं, इसे नीली झील आंखों में देखकर मजे से कहा। इसकी धमकी पर नाज़िम ने इस एक लम्हे पर लानत भेजी जिसमें वो इसे बुरा नहीं लगा था। वो शख्स बुरा था, बहुत बुरा। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ ये नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर भी करिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।